ना यहाँ मुसलमान वर्सेस हिंदू रहा, ना मुसलमान राजाओं की कोई ज्यादा बात रही, ना अंग्रेजों की कोई बात रही। यहाँ असली बात दो लड़ाई, दो विचारधाराओं के बीच में जो आज भी जारी है। इन मनुवादियों के हाथ से जुगाड़ खराब हुआ तो बाहर के आक्रांताओं को भी इन्होंने बुलाया। जब इनके हाथ से जुगाड़ कम हुआ, अंग्रेजों का भी इन्होंने साथ दिया। कोई विदेशी नहीं, असली अगर विदेशी इस देश के लिए हैं तो इस विचारधारा के लोग हैं, जो इस देश के बहुजन समाज को मानव ही नहीं मानते, अपने जैसा मानते नहीं। ना राम राज्य था, ना राम राज्य है, ना राम राज्य होगा। राजाओं का राज्य खत्म किया था, और इस देश में दोबारा कोई राजा पैदा ना हो जाए इसकी गारंटी पूरा समाज, पूरा 140 करोड़ लोग देना चाहते हैं। सिर्फ ढोंग का साथ देने के लिए जो आदमी इधर से उधर कूद गया, जो किसी भी समाज का हो चाहे बहुजन समाज के लोग हैं, ये सारे वो लोग हैं जो हमारे लिए समाज के लिए जयचंद का काम कर रहे हैं। ये अपने बच्चों को तो विदेशों में पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को साइंटिस्ट बनाते हैं, और देश के लोगों को कहते हैं चुपचाप ये मान लो, ये मान लो। साथियों, किसी भी कीमत पर बीजेपी और आरएसएस किसी भी कीमत पर किसी भी नेता को जिसको लगता है उससे रति भर का भी भला हो सकता है, किसी को डरा के और किसी को लालच दे के वो बदलना चाहते हैं, अपने खेमे में रखना चाहते हैं। मगर इस बार का इलेक्शन बीजेपी वर्सेज पीपल ऑफ इंडिया है, देश की जनता वर्सेज बीजेपी इलेक्शन है। इस देश के अंदर इस बार अपोजिशन और बीजेपी में इलेक्शन नहीं है, अपोजिशन के रूप में देश की जनता है। अपोजिशन के जो भी लोग कैंडिडेट होंगे, उनमें से जो भी अच्छा कैंडिडेट होगा, ये देश की जनता उसको जिताने का काम करेगी। इसलिए बीजेपी को और आरएसएस को बहुत डर लग रहा है, वो किसी भी सूरत में अपनी शक्ल सूरत सुधारना चाहते हैं उन नेताओं के जरिए, और कौम के अलग अलग नेताओं को, ये सारे के सारे उस तरह के अलग अलग जातियों के नेताओं को, उन्हीं को जो इनकी रबड़ स्टैम्प होती है उनको अपने पास रखते हैं। उनकी बोलने की कोई औकात नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी बोलता है, एक ही सोचता है, वही फैसले करता है, बाकी सारे के सारे पूरी कैबिनेट। इस देश में इमरजेंसी में भी ऐसी सिचुएशन नहीं थी, पूरी कैबिनेट गुंगों की है। अब यहाँ पर दो विचारधाराओं की इस देश में लड़ाई है, ना यहाँ मुसलमान वर्सेस हिंदू रहा, ना मुसलमान राजाओं की कोई ज़्यादा बात रही, ना अंग्रेजों की कोई बात रही। यहाँ असली बात दो लड़ाई, दो विचारधाराओं के बीच में जो आज भी जारी है। एक विचारधारा है मनुवाद, वर्ण प्रथा। ये वर्ण प्रथा उसी तरह की दूषित और गंदी प्रथा है जैसे सती प्रथा थी। इसका नामो निशान इस देश से मिटाना होगा। एक तरफ वो लोग हैं और दूसरी तरफ है मानवतावादी लोग, पूरे देश के सारे लोग, जिसको बहुजन समाज हम कहते हैं। ये झगड़ा था, जब इन मनुवादियों के हाथ से जुगाड़ खराब हुआ तो बाहर के आक्रांताओं को भी इन्होंने बुलाया। जब इनके हाथ से जुगाड़ कम हुआ, अंग्रेजों का भी इन्होंने साथ दिया। कोई विदेशी नहीं, असली अगर विदेशी इस देश के लिए हैं तो इस विचारधारा के लोग हैं, जो इस देश के बहुजन समाज को मानव ही नहीं मानते, अपने जैसा मानते नहीं। इसी विचारधारा की वजह से इस देश में राम मंदिर बना है। राम मंदिर किसी भगवान का मंदिर तो वैसे कहते हैं, भगवान का मंदिर नहीं है वो, किसी राजा रामचंद्र का के नाम से जो कथा कहानियों में पढ़ते उसका मंदिर है। जो राम अगर कोई ईश्वर अल्लाह के नाम से कोई मंदिर है तो वो ऐसा मंदिर नहीं हो सकता जिसमें टर्म एंड कंडीशन हो, कौन मूर्ति के पास जाएगा कौन नहीं जाएगा। ये किसी उस राजा का वो था कि नहीं था, मैं तो कहता हूँ था ही नहीं। ना राम राज्य था, ना राम राज्य है, ना राम राज्य होगा। इस देश में 47 से पहले जूते मार के हमने राजाओं का राज्य खत्म किया था, और इस देश में दोबारा कोई राजा पैदा ना हो जाए इसकी गारंटी पूरा समाज, पूरा 140 करोड़ लोग देना चाहते हैं। राम के नाम पे एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि कोई ऐसा आदमी, ऐसा अवतार होगा जो बेड़ा पार करेगा आप लोगों का, कोई ऐसा आदमी होगा वो राजा होगा, आप सारी प्रजा होगी। किसी को प्रजा होना स्वीकार है क्या? इस पूरे ब्रह्मांड में कोई राजा नाम का खागड़ नहीं है, तो ये कौन है राजा को खागड़ बनाने वाले? इनसे जागना होगा। बहुजन समाज जिस दिन ये समझ गया कि मानवता विरोधी अगर कोई है तो उस कथा कहानियां हैं उनको अरब महासागर में फेंकना होगा। वो किसी आस्था के खिलाफ नहीं, सच्चाई के खिलाफ। हमारा संविधान सच्चाई को समझने की और शिक्षा की गारंटी देता है। वो शिक्षा की गारंटी का मतलब क्या है?
शिक्षा की गारंटी का मतलब है दुनियादारी की सच्चाई जानने का और समझने का सबका हक है। जब हम सच्चाई के आधार पर बोलते हैं तो गहरे गहरे नथू प्यारे कहते हैं कि हमारी भावनाओं को हमारी आस्थाओं को ठेस पहुंचती है, ऐसी आस्थाओं को जूते मारेगा ये देश और मैं उसमें साथ हूँ। कोई आस्था ऐसी नहीं जो झूठ पे आधारित हो। तुम्हारी आस्थाओं की तब हम कदर करेंगे, उसका एविडेंस दो, उसकी सच्चाई बताओ कि इस तरह की कोई सच्चाई है। तुम सच्चाई से भागने वाले लोगों और धोखेधड़ी से रचित ग्रंथों के सहारे इस देश को गुलाम बनाए रखा। इस देश की सनातनी परंपरा का अगर कोई पुरोधा था इस देश में उसको अच्छाई की तरफ बढ़ाने वाला, वो एक सबसे प्रमुख महात्मा बुद्ध, दूसरे नंबर पे महावीर जैन और तीसरे पे गुरु नानक जी। ये तो थे मानव को मानव के पक्ष में कि अपना दीपक खुद बनो, समझो और जियो। ये कोई किसी के कहने पे ये अवतार हो गया, फलाना हो गया, ये ढोंग नहीं चलेगा। देश में सिर्फ ढंग की बात होगी। ढोंग को जूते मारो और ढंग की बात का साथ दो। साथियों, आज ढोंग की बात का साथ देने के लिए नीतीश कुमार वहां गए हैं। सिर्फ ढोंग का साथ देने के लिए जो आदमी इधर से उधर कूद गया, जो किसी भी समाज का हो, चाहे बहुजन समाज के लोग हैं, ये सारे वो लोग हैं जो हमारे लिए समाज के लिए जयचंद का काम कर रहे हैं। इन सारे जयचंदों से जागरूक होने की जरूरत है। संविधान कहता है, प्रीएम्बल कहता है कि जितने पॉलिटिकल लोग होंगे देश में आजादी के बाद, वो व्यवस्था की बात करेंगे, उनमें हड़बड़ाहट नहीं होगी MLMP बनने की। ये कौन लोग हैं जो बार बार CM या PM बनने के लिए देश को बांटने की कोशिश करते हैं। PM भी जिस तरह की बात करता है वो असंवैधानिक है और यहाँ का इलेक्शन कमीशन नपुंसक है, देश का बिल्कुल गिरफ्त में आ गया है। और इस ऐसे मौके पे जब सरकार निरंकुश हो, पार्लियामेंट बंधक हो और जुडिशरी स्लो हो, और जुडिशरी भी बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जज और पुराने हमारे बार के एसोसिएशन के अध्यक्ष बार बार बोल चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी प्रेशर में है और चीफ जस्टिस भी कहता कुछ और है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है, करने के कुछ और है। साथियों, जागरूक हो जाओ, किसी से भरोसा करने की जरूरत नहीं। अपना दीपक आज खुद बनके महात्मा बुद्ध की तरह से खड़ा होना पड़ेगा। महात्मा बुद्ध ग्रेट थे, उन्होंने खुद कहा मेरी भी मत मानो भाई, अगर मैं कहीं गलत हूं तो बताओ और तुम सही रास्ते पे चलो। और यहाँ ये लोग कहते हैं हमने जो कह दिया उसको मान लो, तुम्हारी ऐसी की तैसी, इसको मान ले। और क्यों मान ले, जो ये कह रहे हैं ना चुपचाप मान लो, ये अपने बच्चों को तो विदेशों में पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को साइंटिस्ट बनाते हैं और देश के लोगों को कहते हैं चुपचाप ये मान लो। एक सरकार राम भक्ति की बात करती है और दूसरी सरकार साथ में हनुमान चालीसा की बात करते हैं। ये बीच में कहां से आ गए भाई? ये हनुमान हमारे बुजुर्गों के यहाँ कोई कुंजड़ वाला आदमी पैदा नहीं हुआ, पूछ वाला ना हमारे समय में हुआ। मेरे दादा ने बताया भाई पूछ वाला कोई हमारे यहाँ हुआ नहीं आज तक। एक आधी बार कहीं गड़बड़ हो गया, कोई पूछ आती होगी, वो खबर बन जाती है। ये कहाँ से किस तरह के लोगों का करेक्टरों को लिए बैठे हैं? अगर इससे आस्था किसी की भंग होती है तो देश का संविधान उस आस्था को जूते मारने का हक देता है। साथियों, वो फंडामेंटल राइट बड़ा है, आस्थाओं के राइट से बड़ा है फंडामेंटल राइट, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं। एक और मुद्दा है सिर्फ 144 धारा लगाने का, 144 धारा का मिसयूज किया लोगों ने अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए, अत्याचार करने के लिए, जो लोग सही बात करते हैं। आज के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की ड्यूटी है कि तुम राजा नहीं हो, अगर कोई हड़ताल करता है प्रदर्शन करता है तो ड्यूटी बनती है अपने प्रतिनिधियों को भेजो उनसे बात करने के लिए। और बड़ी बात तो ये है जब बड़ा कोई प्रदर्शन हो देश में महत्वपूर्ण, तो CM और PM को भी वहां जाना चाहिए, वो महलों में बैठ के जनता के द्वारा बढ़ाए गए महलों में बैठ के, और बंदूकों के साए में जीने वाले लोग शासन के पोषक हैं, संविधान के विरोधी हैं। संविधान किसी को इन बंदूकों के साए में रहकर देश को डराने की इजाजत नहीं देता। साथियों, अब धारा 44 अगर देश हित में नहीं होगी, ये देश धारा 44 को जूते मारेगा और बार बार तोड़ेगा, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं। सबको अपना भय को मारो। और जब देश इकट्ठा हुआ था तभी इमरजेंसी में नेता छूटे थे, आज भी देश इकट्ठा होगा उन लोगों का साथ देने की जरूरत है जो इलेक्शन के मौके पर गिरफ्तार ED और ID के सारे। इस देश में अगर मनुवाद से सबसे लड़ने वाला स्ट्रॉन्ग कोई लीडर है देश में आज, और था जो आज तक नहीं झुका बार बार जेल में जाके, वो लालू प्रसाद यादव है। मुझे कहने में बड़ा गर्व महसूस होता है। आज उसकी किडनी बदलने के बाद भी उसकी बेटी को भी अंदर नहीं जाने दिया। ये पुलिस शासन नहीं है, ये देश की डेमोक्रेसी है, होना ये चाहिए तो उसके घर पे पूछताछ करते। या वो किडनी का पेशेंट है, हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ की बात तो हम करते हैं मगर हमारा देश का संविधान और रूल ऑफ लॉ
आदमियों को जलील करने की इजाजत नहीं देता। साथियों, जलील करके आप लोगों को डराना चाहते हैं, लालू को गिरफ्तार करके आपको डराना चाहते हैं कि बिहार का कोई आदमी बोल ना पाए। थैंक यू वेरी मच। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।